अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मलिक खालिद है और आप देख रहे हैं टेक मलिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब के हवाले से। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है सऊदी अरेबिया में अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे हालात जो है बेहतर होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों पहले सऊदी अरेबिया में जो कोरोना के केसेस थे वो 1,000 से ज़्यादा आ रहे थे। जी हाँ दोस्तों, डेली बेसिस पर 1,000 से ज़्यादा थे, लेकिन पिछले कुछ हफ्ते से देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरेबिया में डेली बेसिस पर जो है कोरोना के जो केसेज हैं वो बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं। तो इसी को देखते हुए सऊदी गवर्नमेंट ने एक बार फिर से जो है गैर मुल्कियों के लिए एक अच्छी खबर जारी कर दी गई है। तो इसी वीडियो के अंदर आप दोस्तों को जो है बताने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आपने लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर भी कर देना है, ताकि आपके और भी दोस्तों को पता चल सके। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके और कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आप दोस्तों की जो है लाजमी हेल्प की कर दी जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी लोग सऊदी अरेबिया के लिए डायरेक्ट ट्रैवल करना चाहते हैं, चाहे आप पाकिस्तान से जाना चाहते हैं या फिर आप भारत से जाना चाहते हैं या फिर आप बांग्लादेश से जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपकी कंपनी को परमिशन लेनी होगी। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आपकी कंपनी आपको बुलाना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी कंपनी राजी हो जाती है, मसलन कि आप छुट्टी पर आए हुए हैं और आपकी कंपनी को आपकी सख्त जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, तो इस सूरत में अब सऊदी गवर्नमेंट ने एक न्यू लॉ जारी किया है कि आप अपनी कंपनी को कहकर, आपकी कंपनी अगर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से परमिशन ले लेती है तो जिस कंट्री से फ्लाइटें स्टार्ट हैं आपको उस कंट्री में जाकर डायरेक्ट जो है आप सऊदी अरेबिया के लिए ट्रैवल कर सकेंगे, आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको समझाता चलूं, काफी सारे लोगों को इस चीज की समझ नहीं लग रही कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं अगर आपकी कंपनी आपकी परमिशन ले लेती है, आपको लेटर भेज देती है कि अब आप ट्रैवल करके आ सकते हैं, जैसे कि दोस्तों आप कतर से आ सकते हैं या फिर आप मालदीव के रास्ते से, कोई भारत से जाना चाहते हैं तो मालदीव उनके नज़दीक हो जाते हैं, मालदीव से वो बिल्कुल आसानी के साथ आ सकते हैं। अगर कोई पाकिस्तानी जाना चाहता है तो वो कतर के रास्ते से जा सकते हैं। शर्त ये रखी गई है कि आपकी कंपनी को परमिशन लेनी है, अगर आपकी कंपनी को परमिशन मिल जाती है तो आप बिल्कुल आसानी के साथ दोस्तों आप जो है सऊदी अरेबिया के लिए ट्रैवल कर सकेंगे। इसमें यह है कि आपको ना तो होटल क्वारंटीन किया जाएगा, कुछ भी नहीं किया जाएगा, सिर्फ आपको 7 दिन अपने रूम पर रुकना है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए भी कुछ शर्तें ये है कि आपको 3 स्टेप लाजमी से फॉलो करने हैं। सबसे पहले स्टेप, आपको अपना पीसीआर टेस्ट साथ लेकर जाना है, 72 घंटे पहले आपने अपना कोरोना का टेस्ट करवा लेना है, आपकी रिपोर्ट ओके आती है और आपने डबल डोज वैक्सीन लगवा ली है सऊदी अरेबिया की अप्रूव वैक्सीन, तो आप बिल्कुल आसानी के साथ जो है दोस्तों आप सऊदी अरेबिया के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके और कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आप दोस्तों की जो है लाजमी हेल्प कर दी जाएगी। तो दोस्तों, अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।